Assalamualaikum and welcome back to my channel. That's Khatija's Nisa Tech. और आई नो काफ़ी दिन हो गया मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं किए. आई वॉज बिट बिजी एंड समथिंग बट अल्हम्दुलिल्लाह अब आज मैंने सोचा है कि एक बहुत अच्छा सा वीडियो जो मैं अपने लिए बना रही थी एक प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर दूँ. तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, आपसे शेयर करने जा रही हूँ. बहुत सारे लोगों को हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हेयर फॉल हो रहा है, स्कल्प में इचिंग हो रही है या जू लीक, ये सब की प्रॉब्लम्स होती है. तो आज जो मैं आपसे एक शैम्पू शेयर करने जा रही हूँ विद ऑल दिस होम रेमेडीज़, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, तो इंशाल्लाह इससे आप अगर अपना शैम्पू बनाएंगे तो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा. और जिस जो स्टेप्स मैंने लिए हैं वही स्टेप्स फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आपको इसका रिजल्ट आएगा. तो लेट्स प्रोसीड विद द प्रोसेस. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ली रखी है तुलसी के बंच, आई मीन कुछ अदद पत्ते. ये तुलसी जो होता है वो आप जानते हैं कि बहुत ही मुफीद होता है, ये एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें. यहाँ मैंने लिया हुआ है लौंग. लौंग भी बहुत मुफीद है हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. ये आपके जो बाल हैं उनको शाइन करता है. और मेजर ये कहाँ यूज़ होता है, आपके जो लीक्स जो होती है ना उन्हें ये मार भगाता है. और यहाँ पे तीन दो टेबलस्पून लिया हुआ है मैंने एलोवेरा जेल. इसमें मैंने निकाला ज़्यादा है बट हम यूज़ करेंगे दो टेबलस्पून. ये मैंने एक शीशी ली हुई है एप्पल विनेगर की, एप्पल साइडर विनेगर की. यस, बालों के लिए और स्किन के लिए एप्पल विनेगर जो होता है बहुत मुफीद होता है. और यहाँ मैंने लिया हुआ है कुछ 400 ml कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू. अभी कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू बेस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने शैम्पू लिया हुआ है वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है. मैं जो निशा के प्रोडक्ट बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो सारे प्रोडक्ट लेती हूँ जिसमें केमिकल्स ना हो, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री हो. ओके, बिकॉज जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं नो डाउट वो डाउट आपको रिजल्ट तो बड़ा इंस्टेंट देते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके रिजल्ट आते हैं, भले से देर आए बट अच्छे वाले रिजल्ट्स आते हैं. और मेजर थिंग ये है कि इनकी कोई क्या होती है कि इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है. और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे नेचर में ईजिली हमें अवेलेबल होती है, तो आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं. जो चलो स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी वक्त चला गया है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है हमें, ये इन तीनों चीज़ों को, दिस इज़ नीम, लौंग और जो तुलसी है तुलसी के ये पत्ते, इसे हमें पानी में बॉईल कर लेना है. इसे पानी में बॉईल करके थोड़ा सा पानी बचे तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम आँच पर बॉयल करना है. उसका जो अर्क निकलेगा, उसका जो वो जूस पानी निकलेगा उसी वही हमें अपने इस शैम्पू में मिलाना है. और ये मिलाना है हमें 2 tablespoons एलोवेरा जेल और यहाँ पे 2 tablespoons एप्पल साइडर विनेगर. आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो शैम्पू बनाने जा रही हूँ मैं, ये मैं अपने घर में अपने बच्चों को भी यूज़ करती हूँ और ख़ुद को भी यूज़ करती हूँ. मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कोई भी यूज़ कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर, इट डजंट मैटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. फ्रेंड्स ये देखें आप, ये मैंने वॉश करके इसमें लगभग 2 cups पानी मिलाया है. और ये जो मैंने कढ़ाई ली हुई है, पहले जो एल्युमिनियम की कढ़ाई आती थी ये वो है, ना कि वो क्या कहते हैं हम नॉन स्टिक बेस कढ़ाइयाँ, नहीं ली है मैंने, ये लिए क्योंकि इसमें प्रॉपरली ये पक जाता है. ठीक है, तो ये कढ़ाई पे मैंने लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे इसे रख दिया है. और जब ये पक जाएगा तो मैं इसे शेयर करूंगी कि इसमें कितना वाटर का कलर क्या है, किस तरह से ग्रेनिश हो गया है. पहले हमें इसे ढक्कन ढक के इसे पकने देना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 15 minutes तक पक चुका है. और यहाँ पे इसका ये कलर देखिए आप, पानी का कलर किस तरह से हो गया खूबसूरत सा. और यही पानी हमें मिलाना है, बट अगर हम इतना ही पानी रखेंगे तो आपका जो शैम्पू है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी में होगा, ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में होगा. तो थोड़ा सा हमने और इस पानी को पकाना है ताकि हम जब शैम्पू में मिलाएं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी हो वो इतनी लूज ना हो कि बालों से एकदम से ही सरक जाए. ठीक है, तो और थोड़ा सा पकने देना है हमें. और जब ये इसका अर्क एकदम हो जाएगा प्रॉपरली फिर हम आगे देखते हैं कि क्या करना है. फ्रेंड्स ये जो हमारा अब अर्क है वो एकदम ही पक कर अच्छे से कम हो गया है. और क्योंकि कम हो गया है तो ये ज़्यादा मुफीद होगा और आपका जो शैम्पू है वो ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं होगा, रनिंग कंसिस्टेंसी कम होगी. तो अब हम इसे क्या करना है, इसे ठंडा होने देना है और फिर अपने जो कॉन्सेंट्रेटेड हमारा शैम्पू है उसमें इसे मिक्स कर लेना है. वो भी हम स्टेप देख लेंगे इंशाल्लाह. फ्रेंड्स ये जो मैंने लिया हुआ है शैम्पू बेस, ये मैंने 400 grams लिया हुआ है. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है. तो और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 tablespoons एलोवेरा जेल.
ये भी ओरिजिनल नहीं है, मतलब एग्जैक्टली लीफ का एक्सट्रैक्टेड नहीं है, ये मैंने मार्केट से लिया है। और ये वो मैं कहूँगी कि ये वो अर्क है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें नीम तुलसी और वो लौंग को हमें पका लेना है। तो ये कुछ लगभग इतना सा, यू कैन सी ऑलमोस्ट लाइक अ टी कप। और यहाँ पे ये हमने लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। तो ये सारा ही कुछ हमें इसमें मिक्स करना है। वाइल मिक्सिंग प्लीज़ नोटिस कि आप ज़्यादा ज़ोर से ना मिक्स करें कि उसमें फोम आना शुरू हो जाए आपके शैम्पू बेस में, अदरवाइज वो किस तरह से मिक्स हुआ है ना कंसिस्टेंसी आपको पता नहीं चलेगी। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करना है और इसे मिलाना है, ठीक है। ये एलोवेरा जेल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शैम्पू को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी हम देख सकते हैं, ये नीदर इट इज़ टू रनी एंड ना ही ज़्यादा थिक है। तो इस तरह से शैम्पू हमें बनाना है। मेक श्योर कि जो एलोवेरा हम मिक्स कर रहे हैं उसका कोई लंप ना रहे बीच में, ठीक